एक बार दो औरतें एक बच्चे के लिए झगड़ रही थी, पर दोनों औरतें यह दावा कर रही थी कि वही उस बच्चे की असली माँ है। जब किसी तरह झगड़ा नहीं सुलझा तो लोगों ने उन दोनों को जज के सामने पेश किया। जज ने ध्यान पूर्वक दोनों की दलीलें सुनी। जज के लिए भी यह निर्णय कर पाना मुश्किल हो गया कि बच्चे की असली माँ कौन है। जज ने बहुत सोच विचार किया, आखिरकार उसे एक उपाय सुझा। उसने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, जाओ इस बच्चे के दो टुकड़े कर दो और एक एक टुकड़ा दोनों औरतों को दे दो। जज का यह आदेश सुनकर उनमें से एक औरत जोर जोर से रोते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसा जुल्म मत करो, दया करो सरकार। भले ही यह बच्चा इस औरत को दे दो, लेकिन मेरे लाल को जिंदा रहने दो। मैं बच्चे पर अपना दावा छोड़ देती हूँ। पर दूसरी औरत कुछ नहीं बोलती, वह चुपचाप यह सब देखती रहती है। अब चतुर जज को मालूम हो गया था कि बच्चे की असली माँ कौन है। उसने बच्चा उस औरत को सौंप दिया जो उस पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार थी। वहीं उसने दूसरी औरत को जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है।